इस वक्त की बड़ी खबर को लेके मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीराज बाबुल जी, जिनसे हम जानेंगे कि चुनाव आयुक्त को लेके ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद पल्लवी, धन्यवाद। चुनाव आयुक्त को लेके क्या कहना चाहेंगे वीराज बाबुल जी? चुनाव आयुक्त का कहना नहीं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है जी और जो चुने गए हैं वो केरल से हैं ज्ञानेश कुमार और जी पंजाब के हैं बलबीर संधू हैं। दोनों को चुनाव आयुक्त आज बनाया गया है क्योंकि टोटल तीन पद है, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद है और दूसरा दो पद खाली थे। एक हफ्ता जी पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था जिसकी वजह से दो सीट खाली हो गया था और उसको भरना बहुत जरूरी था, उसकी नियुक्ति बहुत जरूरी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव 2-3 दिन के अंदर में उसका घोषणा होने वाला है। इसकी वजह जी से प्रधानमंत्री आवास पे एक बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे, पश्चिमी विपक्ष के सभी लोग शामिल थे और उसके बाद ये दो नामों पे सहमति बनी और उनको नियुक्ति कर दी गई है क्योंकि बहुत अहम मुद्दा था और इनको बनाना क्योंकि अभी अभी 24-48 घंटे में हो सकता है कि इलेक्शन चुनाव आयोग जो है घोषणा भी कर दे लोकसभा चुनाव को लेकर, इसलिए बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, आपका ऐसा कहना है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जहां तक आपने वाक्यांश लगाए होंगे कि शायद आज घोषणा हो सकती है, आप ये कहना चाहते हैं चुनाव आयोग नहीं से? घोषणा नहीं, 24 से 48 घंटे के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास पे पीएम की उपस्थिति में इस मीटिंग को बुलाई गई और उसमें सभी लोगों को बुलाया गया और भी जो पार्टी के पक्ष विपक्ष के लोग थे। उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बिना चुनाव नहीं हो सकते हैं और इसलिए इसकी नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट था, सब काम को छोड़कर इस काम को करना अति आवश्यक काम था, इसलिए प्रधानमंत्री के आवास पर मीटिंग की गई और लगभग 1 घंटा मीटिंग, 1 घंटा 2 मीटिंग चलने के बाद ये नियुक्ति की गई है, सबके सहमति से नियुक्ति की गई है। लेकिन फिर भी जो है इनका विरोध है, कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी हैं जी, प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता, उन्होंने सहमति नहीं जताई है। जी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन जी ने ही बताया है इस कमेटी के बारे में कि इन लोगों को चुना गया है। बताया भी है और उन्होंने वो सहमति जारी नहीं कर रहे थे, वो बहुत सहमत जी नहीं थे कि जो चुने गए वो मेरे मतलब उसमें सहमति उनकी नहीं थी, उनका कहना था ऐसा। लेकिन अब जी नियुक्ति हो चुकी है और चुनाव आयुक्त तो अपने फुल फ्रेम में, हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा भी कर दे। आपका क्या आपका सेंस कहा जाता है कि कब तक इस चीज की पुष्टि हो पाएगी कि इलेक्शन का डेट कब आएगा? मुझे जो लगता है, मैं आकलन जो मैं कर रहा हूँ कि 16 या 17 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी, 16 या 17 तारीख? कल छोड़कर, आज 14 तारीख है, कल छोड़कर 16 या 17 को चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। जी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ही इस बात के लिए कुछ निर्णय निकलेगा। अभी तो रिपोर्ट दी गई है ना, प्रधान अभी राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी गई है, राष्ट्रपति के यहाँ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है, रिपोर्ट अभी समय लगेगा उसको पढ़ने में, हो सकता है या तो हो सकता है कि उनको फीडबैक मिल गया होगा कि उसमें क्या 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 है, तो उतना पेज पढ़ना तो मुमकिन नहीं है, अभी आसान नहीं है तत्काल उसको पढ़ा जी जाए, जी तो इसीलिए वहीं अगर हो सकता है। बाबुल जी, कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि आखिर जो पहले चुनाव आयुक्त के जो लोग थे वो लोग इस्तीफा क्यों देके गए, इस पे भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो उठते ही है ना, जो चुनाव का समय है, सवाल तो उठना बहुत नॉर्मल बात है जी क्योंकि चुनाव के समय में इस्तीफा देना एक उनकी बात है कि क्यों दे दिया, लोगों का जी भी जी जो भी उन्होंने उठाया मुद्दा उनकी अपनी सोच है, उनकी समझ है ना, और उनका अधिकार भी है उठाना, विपक्ष का अधिकार है, बनता है, फर्ज बनता है कि इस बात को उठाए, इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन अब तो सही बात जो इस्तीफा दिए हैं वही बताएंगे कि उनकी मनसा हाँ क्या है, उनकी क्या इच्छा है, वो चाहते क्या थे और अचानक देने की उनकी मजबूरी क्या थी है, उनसे मिलने के बाद में भी पता चल पाएगा। चीज को सोच रहे हैं कि कुछ मजबूरियां होंगी। मजबूरियां होंगी तभी इस्तीफा दिया गया ना, उनका भी कार्यकाल बचा हुआ था।
जी उनका कार्यकाल बचा हुआ था और इस्तीफा देने का पीछे कोई ना कोई मजबूरी होगी या कोई अपॉर्चुनिटी होगी, दो ही चीज हो सकता है ना, या तो मजबूरी या तो अपॉर्चुनिटी। जैसे खट्टर साहब को हटाया गया सीएम पद से, तो उसके लिए भी लोग कह रहे चाहे तो मजबूरी होगी चाहे तो कुछ और उनके लिए प्लानिंग करके रखी होगी बीजेपी सरकार। हो सकता है कि उनका प्रमोशन होने वाला हो, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, उनका प्रमोशन जी होगा, ये भी तो हो सकता है। सीनियर है, वरिष्ठ है, उनका अनुभव जी मुख्यमंत्री का हो चुका है, देश में आएंगे, देश के नेता बनेंगे, अभी राज्य के नेता थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे। जी तो कहीं ना कहीं मतलब आपका ये कहना है कि ये सारे जो कार्य हो रहे हैं चाहे वो विपक्ष करा रहा हो चाहे वो पक्ष के लोग करा रहे हों। कोई भी करवा रहा हो, जो चीज होनी है, घटना होनी है, जो होनी है तो होनी है उसको, उसमें तो पक्ष विपक्ष का जो बोलना है उनका अपना कर्तव्य है, उनका अपना बोलना अधिकार है, बोल ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है और इसका होना जरूरी था, इस मीटिंग का होना भी तय होना जरूरी था, नियुक्ति भी जरूरी थी क्योंकि समय बहुत कम बचे हैं और इलेक्शन कमीशन का नहीं होना भी बहुत गंभीर मामला था, इसलिए इलेक्शन इसको आते बहुत ही नेता एड़ी चोटी का जोड़ लगाने लगते हैं, इलेक्शन आते ही सारे राजनेता एड़ी चोटी का जोड़ लगाने लगते हैं। लगाना ही पड़ेगा ना, सरकार बनानी है और जीत के आना है, फिर सत्ता में रहना है तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा ना, फिर इलेक्शन तो 5 साल के बाद आते हैं। वहीं अगर केजरीवाल की बात करें तो अभी सीएए को लेके उनके घर हड़ताल चल रही है। केजरीवाल को लेके हड़ताल चल रही है तो उनका बयान, उनके उनका बयान कुछ उनको अच्छा नहीं लगा होगा, जो उन्होंने बयान दिया है शरणार्थियों को लेकर, वो बयान जी उनको सही नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध कर रहे हैं, जो शरणार्थी हैं बाहर के उनको उस बात पे संतुष्ट नहीं है उनके बयान से, इसको लेकर उनका विरोध है, लोकतंत्र है, विरोध होना चाहिए और विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल जी, ऐसे ही लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा आकलन भारत के साथ। धन्यवाद।